फ्रेंड्स इल्फिश आप देख सकते हैं सैंड का ऊपर में किस तरह से सांप जैसा रेंग रहा है, इसको संभाल के निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स। देन अभी डाल देगा। स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स जैसा कि पिछला वीडियो में आप लोग देखा था कि दो दिन हम जंगलों पे रहा है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा है मेरे लिए वो। सो जो भी नहीं देखा है उसको जाके देख सकते हैं एक बार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो है वो भी। एंड हाँ फ्रेंड्स, आज का वीडियो क्या रहने लगा, वैसे अभी हम जंगल पे पहुँच चुके हैं फिशिंग करने के लिए, टाइटल में भी देख ही लिया होगा। एंड हाँ, अभी फिशिंग करने को जाएगा आगे पे नदी सियांग रिवर। कुछ दिन पहले भी हम एक मछली पकड़ा था, वैसे बहुत बड़ा वाला था वो, 6 किलो का आसपास था लगभग। तो आज का भी ऐसे ही रहने वाला है, बड़ा मच्छी पकड़ने का इरादा है मेरा, तो देखते हैं क्या मच्छी मिलेगा आज को। तो चलिए आगे पे फिर मिलते हैं नदी पे सीधा। और हाँ, अभी नीचे पे है सियांग रिवर एंड पानी बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो अभी हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है, आप जगह भी देख सकते हैं लिटरली कैसा कैसा जगह से नामना पड़ रहा है। पूरा पहाड़ी ऊबर खबर रास्ता है, ऊपर देख सकते हैं पूरा चट्टान है, कुछ गिरने से बहुत ज़्यादा रिस्की है, दस हम भी संभाल के देख के चल रहे हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, अभी सीधा नदी पर जाके फिर मिलते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, अभी ये देखो नदी पहुंच चुका है, कुछ इस तरह सा है। लास्ट टाइम का कंपेयर में नदी थोड़ा सा सूख गया है, पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, पता नहीं इसमें मच्छी मिलेगा भी कि नहीं, पर यहाँ पे एक तो जैसे लगा देगा। ऑलमोस्ट शाम भी होने लगा तो फटाफट हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी अफ्तारनून को घर से निकल गया था। सो चलिए फटाफट अभी जितना भी फिश सूख गए उसको लगा लेते हैं, फिर देखते हैं बाद में। फ्रेंड्स जैसा कि जितना भी फिश हो गया सबको लगा चुका है, हम जरा नहीं लगाया इस बार, सिर्फ चार तो लगाया, देखते हैं चार तो में से कौन सा वाला में मच्छी आता है कल। वैसे इस तरह का टेक्निक को यूजुअली पानी में छोड़ देते हैं कुछ घंटा के लिए या फिर रात भर के लिए। सो अभी हम कुछ घंटा के लिए छोड़ देगा बोलने से तो कुछ घंटा में तो अंधेरा ही हो जाएगा, तो दस में अभी हमको फटाफट घर निकालना पड़ेगा एंड कल सुबह को यहाँ में आके वापस देखेगा, होपफुली कि एक ईल मछली या फिर एक गोल्डन मछली ज़रूर फंसे। चलिए कल सुबह को मिलते हैं फिर। Thank you.
फ्रेंड्स अभी हम नदी पहुंच चुके हैं एंड लास्ट टाइम हम जैसा लगाया था पानी का लेवल काफ़ी कम हो गया, हमको लगा था कि पानी थोड़ा बढ़ जाएगा जैसा लगा था, बट पानी का लेवल उल्टा घट गया, तो मेरा फिश सूप भी थोड़ा गड़बड़ हो सकते हैं, मच्छी नए आ सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये वाला वो चेक करेगा, ये देखो यहाँ पे पूरा सेंट दिखाई पा रहा है, लास्ट टाइम इसमें सेंट दिखाई नहीं पड़ा था। मेरा व्हील भी पानी के ऊपर में तैर रहे, तो चलिए एक बार तान के देख लेते हैं इसको भी कुछ आया भी कि नहीं हमें। फ्रेंड्स ईल फिश, वो देखो देखो वो, इसको संभाल के निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रा साथी रहते काफ़ी समय बाद फाइनली, लेकिन ज़्यादा भरा नहीं है, हमको नहीं लगा था एक्चुअली फंसेगा और के लिए। आप देख सकते हैं सेंड का ऊपर में किस तरह से सांप जैसा रेंग रहा है, काफ़ी सालों बाद ईल देखने को मिल रहा है हमको लाइफ में, थोड़ा छोटा रहा है लेकिन ये यार कितना अमेजिंग है ये, आ जाओ यार, ये है ईल फिश बिल्कुल सांप जैसे है, काफ़ी झटक रहा है ज़ोर ज़ोर से, ज़्यादा भरा तो नहीं है बट ईल फिश अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सांप है जैसे। ओ फ्रेंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका, देखो बाहर में बहुत सारा चिपचिपा सा ये होता है चीज़ें, ये फेंकते हैं, ये एकदम सडनली आया रे, इसका हम एक्सपेक्ट नहीं किया था। फ्रेंड्स ईल फिश फाइनली आज नया मच्छी देखने को मिले, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स ये ना, सोच के देखो ये वाला इतना स्ट्रॉन्ग है तो इससे बड़ा वाला कितना स्ट्रॉन्ग होगा, इससे भी बड़ा बड़ा वाला होता है ये, फिर भी ज़्यादा बड़ा वाला नहीं है, ये देखो मेरा हाथ में किस तरह से पूरा जकड़ लिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ईल फिश। जैसे कि हम बोला था कि लास्ट टाइम नदी पे डिफरेंट डिफरेंट किस्म का मच्छी मिलते हैं और ये ईल वगैरह, सो ये है ईल, सही है यार मज़े आ गया तो, एंड बाकी और भी बचा है सो होपफुली कि उसमें भी कुछ ना कुछ फंसे, सो इसका भी बैग में भरा लेते हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स ये देखो मेरा काटा भी बहुत ज़्यादा भरा है, मेरा चारा को ये पूरा ख़त्म कर दिए, वो निकल गया आसानी से। और हाँ फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे है दूसरा मेरा फिश हुक, जगह बहुत ज़रा पथरीला है, दैट्स व्हाई फ्रेंड्स ईल फिश वगैरह भी हमें मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि ईल फिश यूजुअली इस तरह का चट्टान पत्थरों पे यूजुअली ज़्यादा मिलता है, सो चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ पे आया भी है क्या कुछ। तो फ्रेंड्स इस बार का हमें खाली हो गया, यहाँ का एक चारा अलग था, इसमें कीड़ा मकोड़ा कुछ डाला था, पहले का वाला में छोटा लॉज फिश डाला था, ये देखो चारा थोड़ा सा बचा हुआ है, फेंक देगा इसको। तो फ्रेंड्स ये वाला में बहुत बड़ा वाला मच्छी आया था लग रहा है, ये देखो मेरा काटा व्हील को तोड़ के ले गया, यहाँ पे हम बांधा हुआ था यहाँ पे था, शिट यार ये वाला आता तो मज़ा आ जाता, तोड़ दिया पूरा, सो एक काटा को तोड़ दिया मच्छिया, बड़ा वाला था वो काफ़ी, सो एनीवे सुबह में एक बचा हुआ है लास्ट, उसको अभी जाके देखते हैं फिर। हाँ फ्रेंड्स अभी जैसे कि लास्ट वाला हुक पानी में फंस के टूट गया है, इसको तान के निकाल दिया गया है, हाँ अभी बारिश भी आ गया है एग्जैक्ट समय पे लास्ट में, सो बारिश ज़्यादा नहीं गिरने से पहले फटाफट यहाँ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है, पानी अचानक से भी भर सकते हैं अभी के समय में स्पेशली, सो
सो वैसे आज का मच्छी बोलेगा तो ज़्यादा नहीं मिले, चार तो हुक में से मिला है अपने को एक, दो में आया था एक्चुअली, बट एक तो वाला काफ़ी बड़ा था मच्छी, पूरा मेरा हुक को ले गया साथ में तोड़ के। तो फ्रेंड्स अभी बारिश जैसा कि ज़्यादा आ रहा है, सो सीधा बाहर निकलने का मिलते हैं फिर। हाँ फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पे है अपना मच्छी ईल। चलिए इसको अंदर का मच्छी को देख लेते हैं, ईल फिश को। ये देखो कुछ इस तरह से, इसका कलर जो अजीब से, यानी इसका हेड को देखो, ये मर चुका है वैसे। सो इसको अभी धुला देगा थोड़ा, हाँ पे इसको डाल लेते हैं वापस बैग में। एंड हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आज आप लोगों को हम ईल फिश पकड़ के दिखाए, सो यहाँ पे और भी तरह तरह का मच्छियाँ होता है। एंड जो मेरा फिश हुक था ना, वो एक तो वाला लिटरली टूट गया था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला मच्छी था होगा, पता नहीं कौन सा वाला मच्छी था होगा, आई गेस वो मेरा ख्याल से केट फिश था होगा बड़ा वाला। वैसे मेरा जो व्हील वो भी पुराना हो चुका है, सो अभी नया व्हील लेके आके डालेगा नेक्स्ट टाइम जब आएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आने से वो ना छूटे, बड़ा मच्छी अपना पास हम लोग देख पाए उसको। तो चलिए अभी घर पर मिलते हैं एंड ये फिश को पका के मस्त खा जाते हैं अपना तरीका से। अभी हम घर पहुंच चुका है एंड नहा धो चुका है, अभी घर आने का बहुत पसीना हो गया था। एंड अभी देखो मौसम को देखो, सुबह कैसा था अभी आप देख सकते हैं, लिटरली धूप इतना ज़्यादा है ऊपर में। अभी जैसे कि ये देखो मच्छी यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये वाला काफ़ी बड़ा बड़ा तक का भी होता है, जैसे कि 5 से 6 किलो तक का भी हम देखा है, एंड शायद उससे भी बड़ा बड़ा होता होगा नदी का अंदर पे। तो इस बार हमको छोटा वाला मिला है, अभी इसको हम पकाएगा, इससे हमको भी थोड़ा भूख लग गया घर आते आते। एंड बाय द वे कैमरा मेरा ब्रदर होल्ड कर रहे, इसको भी आप लोगों को देखा देगा। एंड यहाँ पे ब्रदर, हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये देखो यहाँ पे कुतु कुतु हेलो बोलो। और हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी लोग मेरा डोगी को भी पूछा है कहाँ पे हो गया, डोगी को बता दूँ कि वो पता नहीं काफ़ी समय से वो घर ही नहीं आ रहे, कभी कभार सिर्फ घर आते हैं, ज़्यादातर वो बाहर ही रहता है। एंड होपफुली कुछ दिन बाद घर में अच्छी तरीके से वो घर पर बैठे। सो चलिए फ्रेंड्स, इसको अभी अपने स्टाइल में पूरा बढ़िया से पकाएगा। वाह फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसमें हम नमक मिर्चा ऐड कर दिए गए हैं। एंड यहाँ पे है बेम्बू सूट्स लोकल वाला, जिसको यहाँ पे ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट निखार के आएगा। ये देखो बड़ा बड़ा है एकदम, इस तरह से इसको डायरेक्टली डाल देगा पूरा का पूरा। तो फ्रेंड्स अभी ये देखो यहाँ पे है कोरिएंडर, लोकल कोरिएंडर, इसको अभी बस एक बार तोड़ देगा देन अभी डाल देगा। एंड यहाँ पे है किंग चिली छोटा छोटा, देखिए।
तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग खाना पीना अभी पक चुका है, बहुत ज़रा भूख लग गई है जैसे कि। और आप लोग देखेंगे कुछ दिन पहले हम जो फिश पकड़ा था बड़ा वाला, वो फिश को फ्राई किया है, तो उसमें काफ़ी सारा लोग कमेंट में आया था कि उसको आप बॉइल करता तो वो टेस्टी होता होगा। तो दैट्स व्हाई इस बार का वाला को हम पूरा लोकल स्टाइल में बॉइल किया गया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आ रहा है इसका स्मेल। बाय द वे मैं इसको फटाफट डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे है बेम्बू स्मूद बड़ा बड़ा, पूरा नरम नरम हो चुका है पक्के। वाह, यहाँ पे है हेड, ईल फिश का हेड। अभी इसको हम खा जाएगा। सबसे पहले फिश का मीट से शुरू करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट होकर पक चुका है। कोई जो आपने पूरा तावर तोड़े, तो कैमरा मैन हम खाने का खा लो। वाह, पूरा बढ़िया से पक चुका है, एकदम नरम नरम। काफ़ी सालों बाद खा रहा है ये फिश। तीन चिली अब काफ़ी लोग डिमांड के तीन चिली भी खाओ बोल के। वैसे हम इतना खाता तो नहीं, बट ट्राई करेगा। वाह, लाइक कान से धुआं निकल गया। बेम्बू सूट बड़ा ला, परफेक्ट कुम्बो है मछली के साथ। देखो भाई देगा तुमको। एंड हाँ फ्रेंड्स, ईल पीस में एक एडवांटेज है, इसमें क्या होता है, ये हड्डियाँ बाकी मछली का कंपेयर में बहुत ज़्यादा सेफ होता है खाने के लिए, तो इसको छोटा बच्चा लोग भी खा सकते हैं सेफली। ग्रीन से कच्चा अच्छा लगता है इसको भी खाने के साथ कभी कभार। एंड फ्रेंड्स देखो यहाँ पे है झूल, काफ़ी गर्म है। वाह, झूल डाल देगा। ईल फिश का हेड, वाह सच में बहुत ज़्यादा बॉयल अच्छा है बेम्बू सूट के साथ। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इसका हेड भी। हड्डी थोड़ा सा है। तो फ्रेंड्स फाइनली खाना पीना पक के खा के भी कंप्लीट कर दिया गया है। अभी लोकल फिश को फ्रेंड्स बॉयल खाना बिल्कुल लॉस नहीं है, सूप भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था आज का। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी भूख भी डल चुका है, देखो यहाँ पे कुत्तो ये भी पेट भर के गए। जैसा कि वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हुए सभी को हम लोगों का तरफ से सभी को शुक्रिया फिर से जो भी अभी तक यहाँ तक वीडियो को देखा है। एंड चैनल पे कोई नया होने से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबाने के लिए नहीं भूलना है, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग डायरेक्टली देख पाओ। तो हाँ, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।